व्हाट्सअप गाइस, मारी टू मूवी के नेक्स्ट सीन पर रिएक्ट करने वाले। पिछले सीन में हमने देखा था साई पल्लवी की एंट्री, ऑटो में क्या भाई साहब फुल धांसू एंट्री, टपोरी स्टाइल। और उसके बाद फिर वो एक जो जाधव ने मीटिंग के लिए बुलाया था, जाधव ने जो वो ड्रग्स वगैरह टेबल नीचे रखा हुआ भैया, और वहीं से अरे हमारे सामने खेल रहा है तू। तो इंटरेस्टिंग था लास्ट वाले पार्ट, और मैं कहूंगा कि मेरे को साई पल्लवी की एंट्री मस्त लगी थी। तो अब देखते हैं इस सीन में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। गोल्ड माइंस मूवीज चैनल से और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 एंड लेट्स गो। एक आईडिया आया है, समंदर के बीचों बीच एक टोलना का भरा डालते हैं, बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी उड़ी का 20-20 रुपया। सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की क्या? नहीं नहीं, उसका पंटर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस के बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर का धंधा नहीं करने का, तेरी ढेर ले रहा था। तू ढेर भी नहीं ले रहा था, है ना? इसके दिमाग चल रहा था उस तरीके से। देख बंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है, और पैसा हाथ का मैल है, मना नहीं कर सकते। तुम पे विश्वास करके हमने गलती की, अपने उस बड़े भैया को भी नहीं बनवा पाए, सड़क के डॉगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देख अपन ने फुल ट्राई मारा, अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा। इधर आता है तो अपुन की हालत में आ जाती है, किसी ने देख लिया ना तो अपुन के चवालीस हो जाएंगे। अच्छा, ये उसका ही बंदा है ना, इनका लालच देगा तो भाई राजी होगा। पर वो मारी का बिल्ला अब उनके हर एक प्लान में डांग अड़ाता रहता है। देखा बल्ला, ज्यादा जो चपड़ नहीं है तो ऊपर का रास्ता वो साथ वाला भाई है शायद इस वाले। सारा बिजनेस तेरे को अब उनकी बदौलत मिला है, थोड़ा लिमिट में है, समझा ना? हमको थोड़ा थोड़ा नहीं कमाना है, एक बार में बिल्डिंग खड़ी करनी है। कैसे करेंगे बता? अच्छा तू बता। सिर्फ मारी में बूता है ये सब करने का। हेलो, एक और मीटिंग फिक्स करवा, फिर से कोशिश करेंगे। अच्छा दोबारा मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या है, फिर कोशिश करेंगे। अब खेरे पिटेंगे। आदमी टेढ़ा है पर पोस्टर तो सीधा लगा सकता है ना। किधर से फोटोशॉप कराया रे, मेरे से गोरी दिख रही है रे तू। ए शाणी कुर्ची, ऐसा लगता है आटे में नहा के आई है। ए किससे परमिशन लेके मारे का फोटो पोस्टर पे लगाया रे? ऐसा क्या डबिंग मास्टर है, परमिशन लेके आती मैं। ए हमरे जारी शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठेगी। बातें बोलना नहीं, हम लोग ने बोला नहीं, टिकट कट जाएगी। मैं रहे मारे लाए क्या, उसको पटाने का तरीका बता। अरे क्या तू इसको अपना लव गुरु कैसे बना रही है रे? 40 साल का अंकल तेरे को क्या ही कह देगा। गटर बंद कर। मर्द को औरत की जो अदा लुभाती है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कूट कूट के भरी है अदा, बोला पा अदा नहीं, टेंशन मत। लड़की लुभावनी होनी चाहिए, जाल में लुभावनी। ये फनी लगा तो, जैसे लवंग की खुशबू आनी चाहिए। समझी नहीं मैं, ये तो चलता फिरता जूस सेंटर है। दादा बोलेगा तो तेरा रस निकाल दूंगा। कंटिन्यू। मुंह से अत्तर की खुशबू आनी चाहिए। नहीं समझी, एयर फ्रेशनर जेब में रख के बात करना। मारी, जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो 12 फीट की सीढ़ी लगा के मेरे दिल में कड़कड़ उतरता है, जानता है काय को? काय को? क्योंकि जब से तुम्हारे दिल के ऑटो का पैसेंजर बना है, उसका इंजन ऑटो स्टार्ट हो के भक झटका मार के बंद होता है। जी ये सब मैं नहीं कर पाई। अरे ये चिंपांजी पर सूट नहीं करता, तेरे पे करेगा। एक्सपीरियंस है मेरे को, छोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ, कई दूल्हे देखे। फोटो विदाउट परमिशन कैसे लगाया? आज तक फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तुम लोगों ने इधर डाल दिया। हाँ वो भी डालने का तो अच्छा डालने का था। ओए, ये मेरे को पोस्टर पे कौन टांग दिया रे? ए तू इधर आ रे? यूपी बिहार हिल जाना चाहिए। अरे एक नंबर टीचर है। अच्छा वैसे चलना है। अच्छा चाल। ये कैसे चल रही है? ओ भाई। कैसी लग रही है? ओ भाई जाके मूड हो जाएगा। तू जिस तरह से ऑटो चला दिया ना, उनको मालूम था एक दिन तू अपनी टांग तोड़वाएगी। एक मिनट रुकना, याद करने दे। क्या? हाँ। अरे ये क्या बोलिंग करने वाली है? तेरे को देख के दिल का ऑटो स्टार्ट हो जाता है और पटापट पटपट रिक्शा की तरह दौड़ता है। अगर तूने हाँ बोल दिया ना तो अपन तेरे को दिल में बिठाकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सैर कराएगी और भाड़ा भी नहीं लेगी। मैंने इसको क्या बोला था और ये क्या बोल रहे हैं रे बाबा? क्या रे चावे, प्यार हो गया क्या? अरे मेरी तरफ से दो बार और कूट इसको। तेरे को नहीं फोड़ सकता इसलिए इनको फोड़ रहा हूँ। 1.25 घंटे का टाइम है तेरे पास, एरिया में से पूरे पोस्टर निकाल डाल। ओपनिंग नहीं करेगा? ओपनिंग कर दे और हमारी क्लोजिंग कर दे, प्यार से बोलेगा तो करेगा। लगता है तुम लोग को रिपीट टेलीकास्ट बहुत पसंद है।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यादव को ड्रग्स सौंप के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था ताकि उसके साथ मिलकर मारी से बदला ले सके। सबको सुला डाला, फिर यहाँ बैठ के किसकी राह तक रहे थे? सारा माल लेकर चंपत क्यों नहीं हो गया? अब उन ड्रग के लिए नहीं आया तो फिर कहाँ आए हो? मारी, मारी से तुमरी का खुन्नस है। आज से 8 साल पहले एक रावड़ी को फोड़ने के चक्कर में आपन जमा हो गया। पिंजरे में घुसते ही आपन को क्लिक हुआ ये सारे नंबरकारी मारी के भंटर है। हमको जल्दी से छुड़ाई लो वरना हमको मार देंगे। घबरा मत छोटे, तेरा भाई सब संभाल लेगा। गुंडे लोग अपुन के भाई को भगवान मानते थे क्योंकि वो चाबुक वकील था। कितनी बुरी तरह से तुझे मारा है बीजा, बस 2 दिन और वेट कर ले, मैं किसी भी हाल में तुझे बाहर निकाल लूंगा। हमको यहाँ से जल्दी निकालो नहीं तो जहर लाके दे। नहीं, ये तो क्या नाप शनाप बोल रहा है, तू ही अपुन की जिंदगी और फैमिली है रे, तेरे लिए तो मैं जज से भी लड़ जाऊंगा। अपुन को भाई बाहर निकालता उसके पहले ही पता तेरे भाई को टपका डाला और अब तेरा नंबर है। अरे भैया मर गए का? अरे भाई पक्की खबर है। कौन मारा? मारी नाम है, बहुत बड़ा गुंडा है। लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है तेरी चौक का। तुम जैसे जानवरों की वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फर्स्ट टाइम आपन मारी का नाम सुना। जब किसी पर जुल्म करो तो इतना करो कि वो तड़प कर मर जाए, नहीं तो उसके अंदर से एक जानवर का जन्म होता है। आप उनके अंदर से भी एक आदमखोर जानवर ने जन्म लिया। कल दांत निकाला था, आज कुछ और निकाल दिया गया। क्या रे, पुलिस भी बिल नहीं भरती और मोमबत्ती भी नहीं रखती। अरे भैया, जिसकी कभी अंधेरे से भी फटती थी आज वो लोगों की जिंदगी की लालटेन बुझा रहा है। उसी पल से आपन ने शराफत की पगड़ी हटा के मौत का चोला सिलवा डाला। अब आप उनके भाई की चिता की आग तभी बुझेगी जब आप उसकी चिता को जलाएगा। ये तभी लंबे बाल वाली कर लिया मारी। उसके पीछे है वो भैया। अगर तुम इतने नामचीन खूनी हो तो मारी का खून काहे नहीं कर पाए? अपन उसको हलवा मौत नहीं देना चाहता, ऐसी मौत देना चाहता है कि वो अपन को नरक में भी नहीं भूले। अब उससे बचाने के लिए जो भी आएगा वो पहले ऊपर जाएगा। उस तक पहुंचने की 2 सीढ़ियां हैं, एक तो ये पाउडर और दूसरा ये कनखजवा। बहुत भड़कीला गुस्सा है, अगर मरद हो तो जाके मारी के पेट में चाकू घुसेड़ दो। बदले में हम तुमको इतना ड्रग देंगे जितना तुम्हारा वजन भी नहीं होगा। गुस्सा करना पाप है और गुस्से में आकर मारना महापाप। लेकिन बदले के लिए तड़पा कर मारना पुण्य है। दिवाली में आपन पटाखे फोड़ के शोर नहीं मचाता, मौत का अनार जलाता है। अरे 7 जन्म तो क्या, तू 8वें जन्म में भी मारी को मार नहीं पाएगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। डील मंजूर है तो बोल। ये मिल गए भैया। मारी के मुक्के ने उसको तोड़ा, मारी ये पान फूल घोड़ा अकेला पंचमा। आप उनको घोड़ा गाय को बना रहे हो तुम लोग? घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा नहीं, अरबी घोड़ा। इस लोकल गुलजार को सुनो,
दारू पीना छोड़ा मंगल को, बुधवार को फिर से शुरू कर दिया। इसमें आपका नाम किधर है? गया। मैं कुछ तो लिखा था लास्ट पेज पे पेंसिल से लिखा है। वो पता है ना अपने डैड को टीच नहीं करते। वो सब छोड़ो, ये वाली खास्ते नहीं। बोल बोल। If you are bad, I'm your dad. क्या बोला? तू गायला कैसे है? ट्रांसलेशन कर रहा था मैं। अपुन बोलेगा ना तो ही अच्छा लगेगा। अपोटिंग है सर। इंग्लिश है ना? वापस बोल। If you are bad, I'm your dad. हाँ बोल। ये तो केजी का बच्चा नहीं बोलेगा। इसके ऊपर ट्राई मार। केसरी। हाँ। अपुन इंग्लिश सीख रहे हैं? जरा ध्यान से सुन। If you are bad, we are your dad. कैसा लगा पंच? ये पंच? कौन सिखा रहा है तेरे को ये? ये क्या अपने फंटर लोग? और वो देखो उसकी कहानी पता लगी जो जेल से निकल के आया था कि मारी को क्यों, क्योंकि जब शुरू में आया उसको इतना खौफ डाल दिया क्योंकि सारे पंटर लोग मारे के थे वहां पर, वो डर गया भैया उसकी दिन दहाड़े दिन हो रहा तो उसकी रेल में आ गए थे। फिर उसके भाई को भी निपटा दिया मारी ने। मेरे को लग रहा है मारी मारते भी उन्हीं को होगा जो गलत होंगे। वो गैंगस्टर है जो कि सही के लिए लड़ता है मेरे हिसाब से, जैसे वो ड्रग्स में भी नहीं आ रहा डील में। हाँ। और वो जो मारते हुए दिखाया जिसको वो भी लड़की छेड़ रहा था, तो इस तरीके से है। अब देखते हैं कि लेकिन इसके भाई को निपटाया है और इसमें खुन्नस है। हाँ। तो इसकी खुन्नस कहाँ तक ले जाती है और कितनी खूखार इसकी खुन्नस। वो कौन है जो डबल ढोल की तो दोनों तरफ कर रहा गड़बड़। इंटरेस्टिंग लगा साई पल्ली भी जब भी आते हैं वो कॉमेडी सीन आता है। क्या वो क्या बोल रही थी जो आनंदी थी उसको, कह रही कौन के कौन किससे फोटोशॉप करा है, मेरे से भी गोरी लग रही है। और जब चल के दिखा रही थी ना जिस तरह ट्रेनिंग दी, कह रहा जिस तरह से तू ऑटो चलाती है मुझे लग ही रहा था तू एक दिन टांग तोड़वाएगी अपनी। और जिस तरह वो बोलते ना ऐसे मचलते हुए बात करनी है, ऐसे जैसे बॉलिंग करने आ रही हो बॉल डालो, सही कह रहा था। मस्त था ये वाला सीन, कॉमेडी भी थी और काफी इंजॉय किया। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इंजॉय किया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्या होता है और नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूले। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यार और लोगों तक भी पहुंचेगी। हाँ। तो कर दिया करो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। कितनी बार लाइक बोल दिया आज? उतनी बार लाइक करेंगे ना। बाय बाय, टेक केयर।